दोस्तों स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बिहार के टॉप बड़ी न्यूज को देखेंगे। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि आप इस वीडियो को एक प्यारा लाइक जरूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। बड़ी खबर में देखिए, राज्य में अब दशहरा बाद दोपहर में भी एक घंटा मिलेगा नल से जल। जी हाँ, हर घर नल का जल योजना पार्ट टू के तहत दशहरा बाद 1.63 करोड़ परिवार लाभुकों को अब दोपहर में एक घंटा और शाम में दो घंटा शुद्ध पानी मिलेगा। राज्य सरकार के स्वीकृति के बाद पीएचडी पंचायती राज विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है ताकि लाभुकों को दोपहर में खाने के दौरान पानी मिल सके और उन्हें सुबह का पानी स्टोर करके रखने की जरूरत भी नहीं रहेगी। विभाग की यह भी कोशिश है कि 2 अक्टूबर से इसकी शुरुआत कर दी जाए। घर में देखिए, बिहार में रोजगार का शानदार मौका। गाय खरीदने के लिए 75% मदद तो गौशाला बनाने का पूरा खर्चा दे रही है सरकार। जहां बिहार के युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार के लिए सरकार कई तरह की योजनाएं चला रही है। इनमें डेयरी से जुड़ी योजना ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों में समान रूप से लोकप्रिय है। सरकार के अलग अलग स्कीमों के जरिए आप नहीं के बराबर लागत में दूध का व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। गाय खरीदने के लिए बिहार सरकार के पशुपालन विभाग की समग्र गव्य विकास योजना से मदद मिलती है। इसी तरह गौशाला बनाने के लिए आपको मनरेगा योजना के तहत पूरी मदद मिलेगी। गौशाला बनाने के लिए आपको केवल अपनी जमीन देनी होगी। बिहार के पशुपालक अपने निजी भूमि पर गौशाला का निर्माण मनरेगा के तहत मुफ्त में करा सकते हैं। मनरेगा योजना के तहत पशु शेड का निर्माण किया जाएगा। इस बार सरकार 1,60,000 रुपए तक खर्च करेगी। ग्रामीण कार्य विभाग ने मनरेगा के तहत होने वाले कार्य क्षेत्र को बढ़ाते हुए जिले में नई पहल शुरू की है। साथ ही मुर्गी पालन का शौक रखने वाले या बेरोजगार युवक भी इस योजना से अपने निजी भूमि पर 1,60,000 की लागत से पोल्ट्री फार्म का भी निर्माण करा सकते हैं। मुर्गी पालन करके अपना रोजगार शुरू कर सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शेड निर्माण के लिए आम लोगों को रोजगार सेवक के पास आवेदन या ऑनलाइन फॉर्म जमा करना होगा। इसके बाद ग्राम पंचायत से स्वीकृति मिलने के बाद इस शेड का निर्माण किया जाएगा। बड़ी खबर देखिए, बिहार में अगले 3 दिनों में बारिश की सक्रियता बढ़ेगी। भारी बारिश की संभावना भी, जाने मौसम अपडेट। जी हां, मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार बिहार के कई जिलों में पिछले 24 घंटे में मेघ गर्जन, वज्रपात और हल्की बारिश दर्ज हुई है। मौसम विभाग ने वज्रपात और मेघ गर्जन को लेकर अलर्ट भी जारी किया है। मौसम विभाग ने लोगों को बारिश के दौरान सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी है। प्रदेश में पछुआ हवा का प्रभाव बना हुआ है। जानकारी के अनुसार एक चक्रवाती परिसंचरण का क्षेत्र उत्तर पश्चिम बंगाल के खाड़ी में बना है, जिसके प्रभाव से प्रदेश में वज्रपात मेघ गर्जन के साथ ही बारिश का पूर्वानुमान भी है। वहीं देखिए, मुजफ्फरपुर दुर्गा पूजा के दौरान हल्की बारिश हो सकती है। अगले 2 दिन तक आसमान में बादल छाए रहेंगे, लेकिन इसके बाद मौसम साफ रहने की उम्मीद है। राजेंद्र कृषि व मौसम विज्ञान केंद्र पूसा ने जारी बुलेटिन के अनुसार फिलहाल हल्की बारिश के साथ 8 किलोमीटर की रफ्तार से पछुआ हवा चलेगी। बड़ी खबर में देखिए, छठ पूजा पर बिहार आने वालों के लिए खुशखबरी है। हैदराबाद, मुंबई, भोपाल, अहमदाबाद से 6 जोड़ी स्पेशल ट्रेन और चलेगी। जी हाँ, बड़ी खबर है, छठ पूजा के अवसर पर यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए रेलवे ने पटना, दानापुर, समस्तीपुर आने जाने के लिए 6 जोड़ी पूजा स्पेशल ट्रेन और चलाने का फैसला लिया है। आपको बता दें कि इसके पहले 24 जोड़ी स्पेशल ट्रेन का जो चलाने का फैसला किया गया था, उसमें से 6 जोड़ी अतिरिक्त और चलाने का फैसला लिया गया है। वहीं आगे देखिए, ये ट्रेन हैदराबाद के सिकंदराबाद, अहमदाबाद, मुंबई, भोपाल, जबलपुर और बिहार के विभिन्न रेलवे स्टेशन के बीच चलेगी। दरअसल आपको बता दें कि छठ पूजा के मौके पर बिहार आने जाने वाले ट्रेनों में वेटिंग लंबी लिस्ट है। यात्रियों को त्योहार पर घर आने और वापस काम पर जाने के लिए टिकट बुक करने में काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में 6 जोड़ी स्पेशल ट्रेन और चलने से रेल यात्रियों को हल्की राहत मिल सकती है। वहीं ट्रेनों की बात करें तो पटना सिकंदराबाद पटना पूजा स्पेशल ट्रेन 27 अक्टूबर से चलेगी। वहीं अहमदाबाद पटना अहमदाबाद पूजा स्पेशल ट्रेन 17 अक्टूबर से चलेगी। वहीं छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल पूजा स्पेशल ट्रेन 17 अक्टूबर से चलेगी। इसके अलावा लोकमान्य तिलक टर्मिनल समस्तीपुर, लोकमान्य तिलक टर्मिनल पूजा स्पेशल ट्रेन 20 से 30 अक्टूबर तक चलेगी। वहीं रानी कमलावती दानापुर रानी कमलावती पूजा स्पेशल ट्रेन 21 अक्टूबर से स्टार्ट होगी और साथ ही जबलपुर दानापुर जबलपुर पूजा स्पेशल ट्रेन 27 अक्टूबर से चलेगी। बिहार में मोबाइल व ईमेल पर भेजे जाएंगे चरित्र प्रमाण पत्र। जी हाँ, बिहार में चरित्र प्रमाण पत्र बनाने में आने वाले परेशानी को दूर करने के बाद अब प्रमाण पत्र लेने के लिए भी दफ्तर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राज्य सरकार ऐसी व्यवस्था करने जा रही कि आवेदक द्वारा दिए गए मोबाइल नंबर और
ईमेल पर चरित्र प्रमाण पत्र भेज दिया जाएगा। गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव चैतन्य प्रसाद की अध्यक्षता में पिछले दिनों विभाग की समीक्षात्मक बैठक हुई थी। इसमें चरित्र प्रमाण पत्र बनाने की पूरी व्यवस्था की समीक्षा की गई। अपर मुख्य सचिव ने आवेदक के निर्बंधित मोबाइल नंबर और ईमेल पर चरित्र प्रमाण पत्र भेजने की व्यवस्था करने का निर्देश दिया है। में देखिए, बिहार में विधानसभा उपचुनाव का ऐलान हो गया है। मोकामा और गोपालगंज में 3 नवंबर को वोटिंग होगी, वहीं 6 को रिजल्ट आएगा। जी हां, बिहार की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर है। राज्य के 2 विधानसभा क्षेत्रों के लिए उपचुनाव की घोषणा निर्वाचन आयोग ने कर दी है। आपको बता दें कि मोकामा और गोपालगंज सीट पर 3 नवंबर को चुनाव होना है, वहीं 6 नवंबर को मतगणना होगी और दोनों सीटों का परिणाम मतगणना के बाद जारी कर दिया जाएगा। साथ ही इसके लिए 7 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक नामांकन पत्र दाखिल किया जाएगा और 17 अक्टूबर को नामांकन पत्र की वापसी हो सकती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बिहार विधानसभा में ये 2 सीटें 1 सदस्य की सदस्यता जाने और जबकि दूसरे सदस्य के निधन होने से खाली हुई है। मोकामा सीट पर बाहुबली अनंत सिंह विधायक थे। AK-47 घर में रखने और अन्य आपराधिक मामलों में सजायाप्ता होने के बाद अनंत सिंह की सदस्यता समाप्त हो गई है, जिसके बाद यह सीट खाली हो गई है। जबकि दूसरी सीट मंत्री सुभाष सिंह के निधन से यह खाली हुआ है। बड़ी खबर में देखिए, बिहार के इस उपचुनाव में भाजपा के साथ महागठबंधन सरकार की परीक्षा होने वाली है। साथ ही इस उपचुनाव में मुकेश सहनी ने भी अपनी ताल ठोक दी है। जी हां, आपको बता दें कि 2020 के चुनाव में गोपालगंज से NDA उम्मीदवार सुभाष सिंह ने जीत दर्ज कराई थी, तो मोकामा सीट राजद उम्मीदवार अनंत सिंह ने जीती थी। प्रदेश में NDA में टूट और महागठबंधन की सरकार बनने के बाद यह पहला उपचुनाव हो रहा है, तो जाहिर है कि अब दोनों सीटों पर कड़ा मुकाबला होने वाला है। भाजपा जहां गोपालगंज के साथ ही मोकामा में भी अपना पूरा जोर लगाएगी, वहीं महागठबंधन के लिए भी दोनों सीटें प्रतिष्ठा का विषय है। वहीं सही मायने में देखा जाए तो उपचुनाव महागठबंधन सरकार की परीक्षा भी है। तो वहीं देखिए, भाजपा और महागठबंधन के टक्कर के बीच विकासशील इंसान पार्टी ने भी ऐलान किया है कि दोनों सीट पर वह प्रत्याशी उतारेगी। वहीं आपको बता दें कि यह दूसरा मौका होगा जब 2 सीटों पर भाजपा अकेले चुनाव मैदान में होगी। दूसरी ओर राजद, कांग्रेस, वाम दल और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा मिलकर इन सीटों पर अधिकार जमाने की लड़ाई लड़ेंगे। वहीं एक तरफ देखा जाए तो मोकामा सीट राजद की गढ़ मानी जाती है। 2020 के चुनाव में इस सीट से राजद उम्मीदवार आनंद सिंह ने जीत दर्ज की थी। अब यह 6 नवंबर को पता चल जाएगा कि किसकी जीत होगी और किसकी हार होगी। आप हमें नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि कौन पार्टी जीतने वाली है। तो वहीं बड़ी खबर में देखिए, मोकामा सीट पर आनंद सिंह की पत्नी लड़ सकती है चुनाव। जी हां, मोकामा विधानसभा सीट बाहुबली RJD विधायक आनंद सिंह को कोर्ट से सजा होने के बाद उनकी विधानसभा सदस्यता जाने के बाद रिक्त हुई है। अब देखिए, माना जा रहा है कि वहां से आनंद सिंह की पत्नी नीलम देवी चुनाव लड़ेगी। हालांकि इस सीट पर JDU भी चुनाव लड़ता रहा है और बदली राजनीतिक परिस्थितियों में अब JDU भी RJD के साथ है। अब यह देखना होगा कि महागठबंधन सरकार मोकामा सीट पर किसको अपना उम्मीदवार उतारती है। बड़ी खबर में देखिए, बिहार में अब बिना बूस्टर डोज लिए नहीं दे सकेंगे परीक्षा, मास्क और सैनिटाइजर भी रखना होगा अनिवार्य। जी हां, बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में 2 नवंबर से अग्निवीर बहाली प्रक्रिया शुरू हो रही है। यह अग्निवीर बहाली प्रक्रिया शहर के चक्कर मैदान में होगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इसमें मुजफ्फरपुर सहित 8 जिलों के करीब 1.5 लाख अभ्यर्थी शामिल होने वाले हैं। इसमें सबसे जरूरी बात यह है कि जो अभ्यर्थी बिना बूस्टर डोज लिए वहां पहुंचेंगे, उनको बहाली में शामिल नहीं किया जाएगा। साथ ही भीड़ को देखते हुए स्थल पर कोरोना प्रोटोकॉल का 100% पालन करने को लेकर विशेष निर्देश भी जारी किया गया है। इसके अलावा अभ्यर्थियों को निर्देश दिया गया है कि वह फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड डोज जरूर लें। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अभ्यर्थियों को बूस्टर डोज लेना अनिवार्य होगा। इसके लिए उन्हें बूस्टर डोज का प्रमाण पत्र भी दिखाना होगा। इसके अलावा यह भी निर्देश दिया गया है कि बहाली के दिन से 72 घंटे पहले का निर्गत नो कोरोना सर्टिफिकेट भी देना होगा। यह सर्टिफिकेट जिला अस्पताल या सदर अस्पताल का बना होना अनिवार्य है। निजी अस्पताल का नो कोरोना प्रमाण पत्र अवैध माना जाएगा। इसके अलावा अग्निवीर बहाली स्थल पर अभ्यर्थियों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। साथ ही सभी संबंधित दस्तावेज के साथ मास्क, सैनिटाइजर और ग्लव्स रखना होगा। जिसके पास भी नहीं होगा उसे बहाली स्थल पर प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। इस दौरान अभ्यर्थियों को शारीरिक दूरी भी बनाए रखना होगा। अग्निवीर बहाली स्थल पर ड्यूटी में तैनात स्टाफ मास्क और ग्लव्स पहने रहेंगे। बड़ी खबर में देखिए, बेतिया स्वच्छता रैंकिंग में बिहार में 2 नंबर पर आ चुका है। अब वहां पर सड़क पर कूड़ा कचरा फेंकने पर देना होगा जुर्माना।
जी हाँ, देखिए राष्ट्रीय स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में लंबी छलांग मारते हुए बेतिया स्टेट रैंकिंग में दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। वहीं राष्ट्रीय रैंकिंग में 1 से 10 लाख तक की आबादी वाले शहरों की सूची में पूरे देश में बेतिया 233वें स्थान पर है। आपको जानकारी होनी चाहिए कि बेतिया ने बड़े बड़े राज्यों के बड़े बड़े शहरों को पछाड़ते हुए इस बार उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। पिछली बार यह 13वें स्थान पर था, जबकि 2020 में इसकी स्टेट रैंकिंग में 5वीं थी। वहीं नगर आयुक्त लक्ष्मण प्रसाद ने खुशी जताते हुए कहा कि यह गौरव की बात है। साथ ही उन्होंने कहा कि इसके लिए प्रशासन एवं निगम कर्मियों ने काफी मेहनत की है, इसके बदौलत यह स्थान हासिल हुआ है। वहीं देखिए इसके बाद नगर निगम में रविवार को आयुक्त शंभू कुमार की अध्यक्षता में बैठक हुई। रैंकिंग सुधार पर प्रसन्नता जाहिर करते हुए उन्होंने कहा कि यह गौरव की बात है कि स्टेट रैंकिंग में पिछले रिकॉर्ड तोड़ते हुए निगम दूसरे स्थान पर आया है। उन्होंने कहा कि अब पहले स्थान पर लाने के लिए और मेहनत करनी होगी। इसके अलावा देखिए उन्होंने कहा कि अब व्यावसायिक क्षेत्रों में 2 पालियों में कचरे का उठाव व झाड़ू लगाया जाएगा। कोई भी व्यक्ति व दुकानदार सड़क पर कूड़ा फेंकते हुए नजर आएगा तो उसे जुर्माना देना होगा। बड़ी खबर में देखिए, नीतीश कैबिनेट से इस्तीफे के बाद सुधाकर सिंह फॉर्म में आ गए हैं। उन्होंने कहा कि सड़क से सदन तक उठाऊंगा किसानों की आवाज। जी हां, देखिए बिहार के महागठबंधन सरकार में कृषि मंत्री रहे सुधाकर सिंह नीतीश कैबिनेट से इस्तीफे के बाद फॉर्म में आ चुके हैं। उन्होंने इस्तीफे के अगले दिन कैमूर जिले के अघोरा में किसान सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने नीतीश सरकार में भ्रष्टाचार का मुद्दा भी उठाया। साथ ही कहा कि अब वे किसानों की समस्या उठाते हैं तो कुछ लोगों को बुरा लग जाता है। साथ ही देखिए उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि जरूरत पड़ी तो वे सड़क से लेकर सदन तक आवाज उठाएंगे। वहीं किसान सभा में सोमवार को आरजेडी नेता सुधाकर सिंह ने कहा, जब मैं किसानों की समस्या उठाता हूं और भ्रष्टाचार का विरोध करता हूं तो कुछ लोगों को बुरा लगता है। सत्ता में बैठे लोगों को बेचैनी बढ़ जाती है। कर्मचारी और अधिकारी मालिक बन बैठे हैं। अभी मैंने इस्तीफा दिया है, सरकार हम लोगों की है, जरूरत पड़ी तो सड़क से सदन तक आवाज उठाऊंगा। वहीं दूसरी तरफ में देखिए, सुधाकर सिंह के इस्तीफे पर बोले सीएम नीतीश की कोई फर्क नहीं पड़ता है। जी हां, सुधाकर सिंह के इस्तीफे को लेकर जेडीयू ने कहा था कि यह कोई नई बात नहीं है और इससे सरकार पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। इसके बाद सुधाकर सिंह के इस्तीफे पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पहली प्रतिक्रिया आई है। सीएम नीतीश ने कहा कि सुधाकर सिंह के इस्तीफे से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भ्रष्टाचार को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने रविवार को अपना इस्तीफा सरकार को सौंप दिया था। सुधाकर सिंह के इस्तीफे के बाद बिहार की राजनीति गर्म हो गई थी। देर शाम सीएम नीतीश ने सुधाकर सिंह के इस्तीफे को स्वीकार करते हुए से राज्यपाल फागू चौहान के पास भेज दिया था। बड़ी खबर में देखिए, बीपीएससी सरस्वती प्रारंभिक के री एग्जाम का आंसर की हुआ जारी। जी हां, बीपीएससी सरस्वती प्रारंभिक का आंसर की आउट हो गया है। बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा यह आंसर की जनरल स्टडीज पेपर के लिए जारी हुआ है। जिन अभ्यर्थियों ने बीपीएससी की सरस्वती प्रीलिम्स कम्बाइंड कॉम्पिटेटिव परीक्षा दी है वो इसे आयोग की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए अभ्यर्थियों को केवल bpsc.bihar.nic.in पर जाकर आंसर की को डाउनलोड करना होगा। इस आंसर को प्रिंट करके रख ले। परीक्षा का आयोजन 23 सितंबर को किया गया था। परीक्षा के लिए करीब 6 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया था। हालांकि इसमें करीब 4.75 लाख अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया था। साथ ही आपको बता दें कि आयोग के द्वारा जारी आंसर के में किसी उत्तर की गलती को लेकर अभ्यर्थी आयोग में आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। अभ्यर्थी अपनी आपत्ति 12 अक्टूबर 2022 के पहले भेज सकते हैं। कर में देखिए, बिहार का दूसरा सबसे गंदा शहर बना सासाराम, पहले स्थान पर रहा सिवान। जी हां, आगामी 20 अक्टूबर को सासाराम नगर निगम का चुनाव कराया जाएगा, लेकिन 2022 में स्वच्छता सर्वेक्षण का जो रिपोर्ट जारी किया गया है वह सासाराम नगर निगम के मुंह पर तमाचा है। देश के 382 शहरों में कराए गए स्वच्छता सर्वेक्षण में सासाराम 372वें नंबर पर है, जबकि बिहार का सिवान शहर 373वें स्थान पर है। इस तरह गंदगी के मामले में सासाराम का बिहार में दूसरा स्थान है। आपको बता दें कि 2021 के सर्वेक्षण में सासाराम सबसे गंदा शहर था। मार्च 2021 में सासाराम नगर निगम बना, तब तत्कालीन नगर परिषद का बोर्ड भंग कर दिया गया। इसके बाद सासाराम नगर निगम की कमान अफसरों के हाथ में आ गई, लेकिन अफसरों के हाथों भी शहर की सूरत नहीं बदली। यो की जगह शहर को नगर आयुक्त मिले, बड़ा बजट मिला, लेकिन शहर गंदगी में अव्वल स्थान पर रहा। हालांकि 2021 में 1 लाख से 10 लाख की आबादी के बीच देश के 372 शहरों में सर्वेक्षण किया गया था, जिसमें सासाराम सबसे निचले पायदान पर था। आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह बिहार के डेली न्यूज देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।